और देश में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। गैस सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में भारी वृद्धि हुई है। इंडियन गैस ने ये इजाफा मेट्रो शहर में गैस सब्सिडी वाले इंडियन गैस सिलेंडर के दाम में किया है। गैस सिलेंडर 144 रुपये से 150 रुपये तक महंगा हुआ है। रसोई गैस के बड़े दामों के लिए कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में चुनाव हारते ही रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 150 रुपये महंगा कर दिया। जब ये विपक्ष में थे तो भाजपा की नेत्रियां सिलेंडर के ऊपर लकड़ी रखकर आलू प्याज का माला पहनाकर विरोध करती थी। अब बढ़ती महंगाई भाजपा के लिए राष्ट्रवाद बन गई है। हर बार गैस के दाम बढ़ाते बढ़ाते आज स्थिति यह है कि जो गैस सिलेंडर पहले 300 रुपये में मिलता था यूपीए गवर्नमेंट के समय में, अभी 800 850 रुपये मिल रहा है। बाबा रामदेव का वो वीडियो सब लोगों ने देखा है कि 300 रुपये में गैस सिलेंडर चाहिए क्या? जो 300 रुपये में गैस सिलेंडर देगा उसकी सरकार बनाएंगे। सरकार बने 6 साल हो गया लेकिन गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बिलासपुर में